अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। इस इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं बेबी बॉय के लिए क्यूट सी वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप उनके लिए एक क्यूट सी बेबी कैप किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसको कम्प्लीटली स्टिच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए आप ये बनाएं, आप किसी भी कलर में मैचिंग ड्रेस के साथ भी बच्चों के बना सकते हैं ये। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट ले लिया है, ग्रीन ले लिया है और वाइट ले लिया है इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से आपने करना है डबल, और ये तकरीबन जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊँगी ये तकरीबन 2.5 से 3 साल के बच्चे की है। उसके बाद मज़ीद इसको डबल करके 4 तहें कर लेनी है और उसके बाद इसकी मेजरमेंट लेनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी जो चौड़ाई लूँगी मैं यहाँ से चौड़ाई हम लोग ले लेंगे मैंने तकरीबन 8 इंच ली है, और ये जो लंबाई है वो हम ले लेंगे यहाँ पे 12 इंच। तो 12 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। तकरीबन आप लोग 3 साल के बच्चे तक ये वाली कैप बना सकते हैं। अगर आपने इससे छोटी बनानी है तो उसकी मेजरमेंट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, इसको ऊपर से कट कर लिया और यहाँ से हमने हल्की सी गुलाई देनी है कुछ इस तरह से, और इसको भी कट कर लेना है। और इसकी 4 तहें रख के ही आपने इसको कट करना है हमेशा, क्योंकि हम लोग ये जो पॉकेट है ये डबल कपड़े की बनाते हैं, दोनों साइड पे हमारी सीधी साइड आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे कपड़े को सीधी साइड पे फोल्ड किया था। उसके बाद हम इसके जो किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और चुन्नट्स डाल लेंगे। सिलाई हम लोगों ने बखिया बड़ा करके लगानी है ताकि हम लोग चुन्नट्स अच्छे तरीके से बना सकें। बिल्कुल उसी शेप में सिलाई लगानी है जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों तरफ से एक सिंगल सिंगल धागा हमने पकड़ना है और इस तरीके से चुन्नट्स बना लेनी है, बिल्कुल गुलाई में जिस तरीके से हमने लगाई थी बनाई थी ये। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, किसी भी ड्रेस के साथ मैचिंग भी बना सकते हैं। 6 मंथ्स के बेबी के लिए अगर आप बनाएंगे तो नीचे स्ट्रिप्स भी लगाइएगा ताकि वो उतरे ना बार बार। मैं लास्ट में आपको वो वाली कैप दिखाऊँगी जिसमें मैंने स्ट्रिप्स भी लगाई हुई हैं, और छोटी कैप्स भी मैंने बनाई हुई हैं, वो भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी कम्प्लीटली। यहाँ पे हम इसकी इक्वली जो चुन्नट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 2.5 से 3 साल के बच्चे की है, इस तरीके से कर लेंगे। और इंडिपेंडेंस डे के लिए छोटे बच्चों की कैप्स बहुत मुश्किल से मिल रही होती हैं और समटाइम्स वो होती भी नहीं है। इस टाइप की आप बनाएंगे तो अच्छी भी बहुत लगेगी और बहुत आसान भी है इसको बनाना। यहाँ पर देखिए चुन्नट्स बन चुकी हैं, दोनों साइड पर बिल्कुल परफेक्टली आई है फिनिशिंग, और देख सकते हैं आप। अब हमने इस साइड को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, इस तरीके से। इधर हम लोगों ने इलास्टिक डालनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे नेफा बना लेंगे। इतनी सी चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए लगा लेते हैं, यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम लोग इलास्टिक डालेंगे, जो बिल्कुल बारीक वाली इलास्टिक होती है वो डालेंगे हम लोग। ये पीछे की तरफ जो नेक का पार्ट होता है वहाँ पर आएगा ये हिस्सा, इस वजह से हम लोग लगाते हैं ताकि वो वहाँ से हटे ना। लास्ट में हम लोग इसमें इलास्टिक डालेंगे। सबसे पहले हम लोग सामने का जो शेड का पार्ट है वो बना लेंगे। चुन्नट्स डालने के बाद ये जो पार्ट है मेरा तकरीबन 5.5 इंच आया है, और आपने ख्याल रखना है कि चुन्नट्स जब आ जाएँ तो उसके बाद मेजर कीजिएगा, तो 5.5 इंच आना चाहिए डबल करने के बाद। अब यहाँ से हम लोग ये मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर हमने शेड का पार्ट लगाना है आगे, जो ग्रीन पार्ट लगता है, तो उसके लिए बुकरम कट कर लेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है बुकरम की, और लंबाई मेरी, मैंने जो अभी मैयर किया था उसको, जो चुन्नट्स वाला पार्ट है वो तकरीबन 12 इंच था, तो उतनी ही सेम हमने कट करनी है, ना बड़ी कट करनी है ना उससे छोटी कट करनी है, सेम उतनी ही करनी है। और उसको इस तरीके से डबल कर लेंगे, और इसको ट्रिम करके हल्का सा मैं इक्वल कर लूँगी यहाँ पे। अब इसको डबल करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, 3.5 इंच चौड़ाई आई है मेरी और 12 इंच मेरी लंबाई है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से इसको मज़ीद डबल करेंगे, और इसको इस तरीके से 6 इंच है डबल करने के बाद, इसका हाफ़ ले लेंगे, 3 इंच हाफ होगा इसका। जहाँ से हम हाफ लेंगे वहाँ से 2 इंच की इस तरीके से लाइन लगाएंगे, और इस तरीके से हल्का सा कर्व दे देंगे इस तरीके से, और इसको इस कर्व में कट कर लेंगे। जो आगे का शेड पार्ट है उसमें मैंने ये हल्का सा कर्व दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको जो कैप का जहाँ हमने इसको अटैच करना है वहाँ पर वो उसके साथ मेजर कर लेंगे कि एक बिल्कुल इक्वल है या नहीं। यहाँ पे देखें, इसके साथ इक्वल करके देख लेंगे कि ये इसके साथ बिल्कुल, अगर बड़ी होगी तो हम हल्का सा और ट्रिम कर लेंगे, बट यहाँ देखें बिल्कुल ये इक्वल है। अब इसको हम लोग ग्रीन कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे, और इसको किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी।
यहाँ पे करीन कोई भी कंट्रास्ट का कपड़ा ले लेंगे आप, उसको इस तरीके से डबल कर लेंगे, उल्टी साइड पे आपने डबल करना है इस तरीके से, सीधी साइड अंदर की तरफ आनी चाहिए, और इसके ऊपर इस तरीके से इसको रख के पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इसको पेस्ट करना है परफेक्टली। यहाँ पे देखें, इसके ऊपर रख के हम लोग पेस्ट कर लेंगे इसको। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप बैठेंगे बनाने के लिए तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये कैप आप बना सकते हैं। बेबी गर्ल्स के लिए भी ये बना सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने एक और बेबी गर्ल के लिए कैप कल सिखाई थी आपको, उसका लिंक मैंने आई के बटन पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखें, इसको इसके ऊपर हल्का डबल फोल्ड, इसके ऊपर डबल फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा ली है मैंने, और उसके बाद अब इस तरीके से डबल करके इसके बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से, इस तरीके से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग चुकी है, ऑलमोस्ट शेड वाला पार्ट कवर हो चुका है। अब इसके साथ से कपड़ा कट कर देंगे, तकरीबन एक पैर जितना कपड़ा छोड़ते जाएंगे और बाकी इसको कट करके इसमें कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि जब हम इसको सीधी साइड पे फोल्ड करें तो कोई झोल ना आए। यहाँ देखें, कॉर्नर से अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा कट लगाएंगे, ख्याल रखना है कि सिलाई कट ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाने हैं आपने। यहाँ से मैं हल्का सा ट्रिम कर दूंगी, जितना हमें अटैच करना है उसके साथ कपड़ा चाहिए उतना ही हम रखेंगे। अब इसको सीधी साइड पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। बुकरम के साथ बहुत अच्छी शेप आती है, अगर आपके पास हार्ड वाली बुकरम है जो मर्दाना बुकरम होती है वो भी आप लगा सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से ये शेड वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, अब हमने इसको उसके साथ अटैच करना है। अटैच किस तरीके से कर सकते हैं आप परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, वो अब मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जो ये देखें इस तरीके से करना है, और ये जो जो बुकरम की फिनिशिंग वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे सबसे पहले, जो बैग पे हमने नेफा बनाया था छोटा सा, यहाँ पे मैं बड़ी वाली सुई की मदद से डाल रही हूँ इसमें, आप सेफ्टी पिन की मदद से भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि ये जो इलास्टिक है आपने तब तक कट नहीं करनी है जब तक आप साइडों से इसको सिलाई करके अटैच नहीं कर लेते, वरना ये निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखें, अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी आपको टाइट रखनी है यहाँ पे उतनी चुन्नट्स डाल लेंगे इसमें, और उसके बाद इसके किनारे से दोनों तरफ से किनारे किनारे पे ये वाली जो इलास्टिक है इसको स्टिच कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाना चाहते हैं जो नेक की तरफ ला के बांधने के लिए, वो भी आप यहाँ पर ही अटैच करेंगे इसके साथ, इलास्टिक के साथ जब सिलाई लगाएंगे तो वो भी साथ रख के अटैच कर लीजिएगा, बट शेड वाला पार्ट लगाने से पहले पहले करना है। ये देखिए, दोनों तरफ से इलास्टिक पे पहले सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने, और उसके बाद मैंने इलास्टिक को कट किया है, ऐसा ना हो कि एक तरफ से आप कट कर दें, एक तरफ से सिलाई लगा रहे हो तो दूसरी तरफ से वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखें, इलास्टिक की चुन्नट्स आने के बाद ये 4 इंच था और ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब शेड वाला पार्ट लगाएंगे हम लोग, बिल्कुल ये किनारे से शुरू करेंगे इस तरीके से लगाना, और इसकी सिलाई लगा लेंगे। चुन्नट्स को सेट करते करते हमने लगाना है, तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडिपेंडेंस डे के लिए बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी है, ये मेथड आपको इजी लगा है। किसी भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं मुझसे मेजरमेंट पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। यहाँ पे नीचे से चुन्नट सेट करते जाएंगे और ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे जितना हमने कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ा था उसके लिए, और ये पहनी भी बहुत क्यूट लगेगी। और ये देखिएगा, अभी जब ये बन जाएगी मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। और यहाँ पे देखें, इस तरीके से सिलाई को अंदर देते हुए इसके ऊपर ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये जो हम लोगों ने ये जो अभी सिलाई लगाऊंगी मैं, ये ऊपर वाली साइड पे आएगी, जो हमारी फिनिशिंग वाली साइड थी उसी साइड पे होगी ये। तो आपने ख्याल रखना है कि जो बुकरम हमने पेस्ट की थी, जो फिनिशिंग वाली जो शेड का पार्ट था, वो ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। यहाँ पर देखें, हमने दोनों तरफ सीधी साइड इसलिए डबल कपड़े की इसलिए बनाई है कि उल्टी साइड से भी ये बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ दिखाई देगी। गुम सिलाइयाँ होंगी इसकी कम्प्लीट, और उल्टी तरफ से भी ये बिल्कुल भी कपड़ा और जो है वो दूसरा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, कैप हो चुकी है रेडी, और आप लोग देख सकते हैं उल्टी साइड पे भी इसकी फिनिशिंग किस तरीके से है, और सीधी साइड पे भी कुछ इस तरीके से है, ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने 6 मंथ्स के बेबी की भी बनाई है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 साल के बच्चे की भी बनाई हुई है। यहाँ पर जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं 1 साल के बच्चे के लिए, अब वो आप 6 मंथ्स के बेबी के लिए भी लगा सकते हैं। अगर बहुत छोटे के लिए आप बना रहे हैं तो ये स्ट्रिप्स ज़रूर लगाएं, इससे और भी ज़्यादा क्यूट लगेगी ये।
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।